हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे गोलगप्पे बनाती हूँ, और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। और आज मैं और रोहित गोलगप्पे चैलेंज भी करने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कौन जीतता है, मुझे तो लग रहा है मैं ही जीतूंगी, पर देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, और ऑयल लिया है, और पानी लिया है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो मैंने गुनगुना कर लिया था, उसके बाद इसमें डाला है 2 चम्मच। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। अब ये मिक्स हो गया है, इसमें अब डालेंगे पानी। पानी भी गुनगुना करके लिया है, और पानी थोड़ा 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 करके डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसका डो बनाना है, तो पानी थोड़ा और डलेगा, और अब इसको डो बना लेंगे इसका अपन। तो ये देखिए इसका डो रेडी हो गया है। तो अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद देखिए अभी आधा घंटा हो गया है, और मैंने इसको जो डो था उसको स्लैब पे रख लिया, स्लैब को क्लीन करके, और इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। और अब मैं इसको अपने हाथों से मल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मलना है, कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक मलना है। और मलना बहुत ज़रूरी स्टेप है सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए। अगर आप इसको नहीं मलोगे तो आपकी जो पूरियाँ हैं वो फूलेंगी नहीं, इसलिए मलना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए मैं इसको अपने दोनों हाथों से मल रही हूँ। अब मुझे इसमें थोड़ा ऑयल कम लगा, तो मैंने 1 चम्मच और ऑयल डाल दिया है। अब इसको वापस से मल लेंगे। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, पर ये बहुत ज़रूरी है सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए। तो ये देखिए ऐसे मलना है इसको अच्छे से। ये देखिए ये पूरा अब रेडी हो चुका है, और कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। और अब इसकी छोटी लोई तोड़ के ऐसे मैं अपने हाथों से रोल कर लूँगी इसको, ये देखिए ऐसे। अब इसको इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ चाकू से इक्वल, इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। और अब ये देखिए अब बॉल्स बना लूँगी मैं। अब जो ये कट किया ना, उससे क्या होगा, ये जो बॉल्स बनेगी वो सब इक्वल साइज़ की बनेगी, तो इससे अपनी जो गोलगप्पे की पूरी है वो भी इक्वल साइज़ की बनेगी। तो मैं ये सारी बॉल्स बना लेती हूँ। आप चाहे तो एक एक करके बॉल्स बना के हाथ के हाथ डालते रहें, पर मैं एक साथ पहले बॉल्स बना के बेल लूँगी, फिर एक साथ तलूँगी। तो ये देखिए ये मैं अब बेल रही हूँ, और जो मैं बेल रही हूँ वो जैसे मार्केट में मिलते हैं लंबे लंबे सूजी के गोलगप्पे, वैसे ही बेल रही हूँ। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं। देखिए मैंने ये ऐसे लंबे लंबे बेल लिए। चलो तो अब तेल गरम हो गया है, और अब मैंने इसमें जो जो अपनी पूरियाँ बेली थी उसको डाल दिया है। देखिए तेल गरम है, तो बिल्कुल गरम तेल में डालेंगे तो ये अपने आप फूल जाएंगी। अगर कोई ना फूले तो आप उसको चम्मच से थोड़ा सा दबा के फुला दीजिए, और ये पलट जाएंगी अपने आप फूलते ही। अब गैस का फ्लेम धीरे कर देंगे, और अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे तेल के अंदर, जिससे इसका कलर गोल्डन आ जाए और ये अच्छे से सेक जाए। ये देखिए इसका कलर गोल्डन आ गया है, ये बन चुका है। और ऐसे ही मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए ये सारे गोलगप्पे बन गए हैं, ये 35 से 40 गोलगप्पे बने होंगे। अब पानी बनाते हैं। तो पानी बनाने के लिए मैंने अदरक लिया, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, नींबू, टमाटर। अब ये सब एक जार में डाल देंगे, और नींबू ऊपर से निचोड़ देंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। तो अब ये पिस गया है, अब इसको छान लेंगे। अब मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल के और अच्छे से इसको छान लिया है, जिससे इसका जितना भी जूस है वो सारा पानी के अंदर आ जाए। सो ये देखिए ये छन रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसका ऊपर का, ये इसको फेंकना नहीं है, एक अलग से कटोरी में रख देंगे। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है अब 1 ग्लास, और ये इमली का पल्प डाल दिया है 2 चम्मच। और अब मसालों में मैंने पानीपुरी मसाला, नमक, जीरा, काला नमक, काली मिर्च और हींग डाला है।
ये देखिए सब मसाला डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए तो ये पानी पूरी का पानी रेडी है। तो चलिए अब अपन आलू का मसाला बना लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने 3 बॉईल आलू और जो पानी में से चटनी बची थी वो, प्याज, बॉईल चना, नमक, मिर्च और जीरा लिया है। इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में डालकर। तो देखिए अब मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे से। अब इसमें ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं इमली की चटनी। उसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया है, जैगरी पाउडर, जीरा, काली मिर्च, काला नमक, हींग और सफ़ेद नमक लिया है। अब ये जो इमली का पल्प है उसको डालेंगे कढ़ाई में और अब इसको उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, अब ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें ये जो जितने भी मसाले हैं और जैगरी पाउडर है वो डाल देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट तक उबालना है। अब जैसे जैसे उबालेंगे ये गाढ़ा होता जाएगा और ठंडा होने के बाद तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए रेडी है। अब ये रेडी है गोलगप्पे खाने के लिए। हाँ तो गोलगप्पे बन के रेडी है और हम अब करने वाले हैं चैलेंज, गोलगप्पा चैलेंज। और इसमें क्या है कि मैडम ने 7 गोलगप्पे है रेडी किए हैं, 7-7 गोलगप्पे हैं, और पानी है और इमली की चटनी है। और हम क्या करने वाले हैं कि कौन इसको सबसे पहले खाएगा, जो सबसे पहले खाएगा वो जीत जाएगा। तो आज देखने कौन पहले खाता है। जीतने पे क्या होगा आप बताओ क्या है? आगे 1 हफ्ते मेरी चलेगी। नहीं आगे एक दिन तो मतलब तेरे को पक्का पता है तू हारेगी? नहीं, अगर जो जीतेगा उसकी अगले मतलब कल के दिन उसकी चलेगी, जो वो बोलेगा उसे करना पड़ेगा अगले दिन। चल जो जीतेगा वो। ओके तो हाथ में ले ले। नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो 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 गो। अच्छा चटनी तो लगा जरूरी है चटनी लगाना। एजी पीजी चटनी के साथ खाऊंगा स्वाद के लिए। कितनी आसानी से आएगी क्या? थोड़ी मेहनत कर। उनका फिनिश करो पहले। मैं उनका फिनिश नहीं कर रहा हूँ। इजी पीजी ब्रो। अरे अरे रुका हुआ है। मेरा एक बच्चा है तो मेरी भी खाता है, मेरे सिर्फ एक ही बच्चा है। तो अब एक दिन मेरी चलेगी। हाँ। अब देखो, देख पहले तो सबसे पहले ना ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज अच्छा। आजकल हो भी नहीं रही, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सही है, पिछले 4 दिन से तो एक्सरसाइज हो नहीं रही है बिल्कुल। कल ब्रेकफास्ट में क्या आलू के पराठे बन रहे ब्रेकफास्ट में, और आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा थोड़ा। सही है, नौ पैरों में दर्द हो रहा है, बोल रहा हूँ बस ऐसे। इसी के साथ आज का व्लॉग हम खत्म करेंगे और मैं हार चुकी हूँ। मेरा विनर वाला रिबन दे दो, मैं आज जीत चुका हूँ। और क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक गोलगप्पे से आ रही हूँ, सिर्फ एक। हाँ तो अब मैं खा देता हूँ, ये मेरा जीत की ट्रॉफी है। पहले इसको खत्म करते हैं फिर हम एंड करेंगे, ठीक है? ये केवल पानी से आएंगे और मैं चटनी के साथ भी खाया।
मैंने भी चटनी के साथ खाया है। तो बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बस प्यार दिखाते रहिए। ओके, बाय बाय।